हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा तो सफ़र शुरू हो चुका है और आप भी संग चले चलिए हमारे साथ जैसलमेर की सैर पर। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है वो पवन चक्की है और जैसलमेर जैसे ही शुरू होता है वैसे ही ये पवन चक्की आपको पूरे रास्ते भर देखने को मिलेगा। तो हम लोग इंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी थोड़े से के लिए स्टॉप हुए हैं, मतलब हमारी बस रुकी हुई है। हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग निकलेंगे। और ये देख मेरी आश बसु और आशी, और मैंने आज बनाई थी मटर वाली कचौरी, सब्जी नहीं बना पाई, लेट हो रहा था मुझे बहुत, तो इसलिए सब्जी नहीं बना पाई। तो आज हम लोग खाएंगे अचार के साथ। ये अचार है, ये अचार है मिर्ची और आम की, और ये कचौरी। आशी के लिए मैंने पूड़ी बनाया है, उसमें गाजर का हलवा है। आइए, और ये देखिए, ये पूरी हमारी टीम है। हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए और अब आगे के सफर के लिए निकल रहे हैं। और यहाँ से जैसलमेर की सिटी शुरू हो जाती है। इस सिटी को गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको इमारतें देखने को मिलेंगी ना, सारे सुनहले रंग की, आप देख भी पा रहे होंगे, सारे पीले पत्थरों से बनाए हुए ये इमारतें आपको मिलेंगी। फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये गड़ीसर तालाब के नाम से फेमस है जैसलमेर में। हम लोग पहला जो हम लोग घूमने के लिए उतरे हैं वो इसी जगह पे है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है तालाब। ग्रुप में आने का तो मज़ा ही कुछ और होता है, बहुत इंजॉयफुल है। हमारी थोड़ी पीछे ही हमें उतार दी थी, थोड़ी हल्की सी चढ़ाई है, तो चढ़ते हुए हम लोग गड़ीसर की तरफ। और फ्रेंड्स, हम लोग जैसे ही इंटर किए ना, यहाँ पर शूटिंग चल रही थी, मतलब कोई दुल्हन का शूट चल रहा है तो कोई खुद का शूट करवा रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा था देख करके और इंटरेस्टिंग लग रहा था, अच्छा लग रहा था। हाँ, बोटिंग की जाती है, अगर सेल्फ बोटिंग करना है तो 600 प्राइस है। आप तीन चाहें, चार चाहें, कोई कितने भी लोग जाएं, और अगर आपको नाविक लेके जाएगा तो उसके लिए 900 प्राइस है। तो हम लोग सेल्फ में जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने सभी ने लाइफ गार्ड पहन लिया है क्योंकि हमें स्विमिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो सब लोगों ने पहन लिया। और डर भी लग रहा था क्योंकि मुझे तो बहुत पानी से डर लगता है। मजा आ रहा है झील में। और देखिए, और फ्रेंड्स, इस झील के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये राजा जैसलमेर के संस्थापक जो थे रावल जलसु, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी और बाद में गढ़सी सिंह राजा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो तभी से इस झील को बनाया इसलिए गया था क्योंकि जैसलमेर में पानी की कमी हो जाती थी, तो यहाँ से इस झील में इंदिरा नहर, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी और भारत की सबसे लंबी नहर है, उसके द्वारा इसमें पानी आता है, और तभी पानी की कमी पूरी हुई थी।
ऐसा कहा जाता है कि इस झील का पानी कभी नहीं सूखता है। जगह जगह पे लोग फोटो शूट करवा रहे हैं, आई थिंक शादी वादी का है। तो और फ्रेंड्स, झील की खूबसूरती जब शाम की जो संध्या वाली किरण झील के ऊपर पड़ती है ना, तो जो छटा बिखरती है इसकी खूबसूरती की, वो तो देखने लायक होती है। तो ये शाम की खूबसूरती से निखर रहा था ये पूरा, और हम लोग बहुत इंजॉय किए। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर, जैसलमेर की आगे के सफ़र की ओर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए आप लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।